गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में थे और 15 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। अब चलते हैं 16 में। इसमें एक ना रेजिस्टेंस वायर था ऐसे, और इसको तीन आइडेंटिकल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और इसकी लेंथ थी एल और तीन बैटरीज थी, ध्यान रखना। और इसमें टी टाइम में डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो जाता है। नाउ अब आप लेंथ को 12 कर देते हो और नंबर ऑफ बैटरीज एन कर देते हो, और अगेन फिर से टी टाइम में डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो तुमसे कहता है कि एन की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया? सीएम एल लेंथ का रेजिस्टेंस वायर था, पहले तीन बैटरीज कनेक्टेड थी, ठीक, और टी टाइम में डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो गया, फिर तुमने लेंथ 12 कर दी और नंबर ऑफ बैटरीज एन कर दी, और अगेन वही हो रहा है कि टी टाइम पे डेल्टा टी टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी होगी। अब एक बात बताओ कि इसमें ये इक्वेशन नहीं लगेगी, बताओ, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, बताओ। ये इक्वेशन लगेगी कि नहीं लगेगी? ये हीट जनरेशन हो गया ना पीयूष, पता यस सर। नहीं है? वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये हो गया, ठीक है। अब देखो, वी को मैं ऐसे कर सकता हूं कि मान लो एन बैटरीज हैं, एन इंटू ई इसका स्क्वायर अपॉन रो एल अपॉन ए इक्वल टू एम, का मतलब क्या हुआ, देखो, एल इंटू ए ये तो वॉल्यूम आ गया, इंटू डेंसिटी आ गया, इंटू एस और इंटू डेल्टा टी, बताओ बता सर है कि नहीं बता बेटा। जो है एल इंटू डी वहां पे डेंसिटी है, ध्यान रखना, जो है डी वहां पे डेंसिटी है, तो ये आ गया, ठीक। तो इस इक्वेशन से रहा देखना, इस वाले इक्वेशन से एन प्रपोर्शनल टू लेंथ दिख रहा है तुम्हें, जरा चेक करो। yes, देखो जरा एन प्रपोर्शनल टू लेंथ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। जैसे जैसे एरिया कैंसिल हो जाएगा, डी वो सब चीजें तो कॉमन रहेंगी ना, टी वगैरह सब। अच्छा, यहाँ पे टी हो रहा है ना, बाकी सब चीजें तो कॉमन है ना, अगर तुम देखोगे बाकी सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। एन प्रपोर्शनल टू एल आ गया, तो अब मेरे को ये बताओ कि अगर एल को तुम डबल कर देते हो, तो फिर नंबर ऑफ बैटरीज भी कितनी हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए ना, पता। टीएम समझ में आया कि अगर तुम लेंथ ऑफ वायर को डबल कर देते हो तो नंबर ऑफ बैटरीज भी क्या हो जानी चाहिए, डबल हो जानी चाहिए। जी इसका सर। मतलब जब तुमने लेंथ को एल से 12 कर दिया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ बैटरीज 3 की जगह कितनी हो जानी चाहिए, बताओ। जो है 6 हो जानी चाहिए, बस हो गया। क्यों? कैलकुलेशन समझ में आई या नहीं आई बेटा, बता। जो है पॉइंट क्लियर हो गया ना कि नंबर ऑफ बैटरीज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, लेंथ ऑफ वायर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 17। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ है,
टू आर स्मॉल आर स्मॉल आर अगेन टू आर और टू आर और ये टू आर और ये टू आर, ये ए बी है तो रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना। तुम्हें एक बार देखो कि इसमें तुम्हें जो है ना तीन ब्रांचेस का बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा होगा, थ्री ब्रांचेस बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज ये दिख रहा है, देखो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस इक्वल टू अगेन पी अपॉन क्यू कुछ भी कह लो, बताओ तीन ब्रांचेस का वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, जो है जी सर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसके बीच वाले को हटा दो, ये हट गया ये हट गया सीधे सीधे। अब ये बताओ ये टू आर और टू आर मिलके कितने हो गए, फोर आर हो गए, इसी टाइप से ये टू आर और ये टू आर मिलके कितने हो गए, फोर आर हो गए, और ये दोनों मिलके कितने हो गए, टू आर आ गए, और ये फिर ये कितने हो गए, ये दोनों मिलके कितने हो गए, टू आर हो गए, और फिर लास्ट में ये और ये मिलके कितने हो गए बताओ, जो है टू आर इंटू टू आर आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, समझ में आया टीएम? जी सर। तो ये तीन ब्रांचेज का क्या है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 18th। एक बल्ब यहां पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहां पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहां पे लगा हुआ है, बी वन बी टू बी थ्री। बी वन तुम्हें दे रखा है 100 वॉट का, और बी टू और बी थ्री ये 60 वॉट के दे रखे हैं। तुम्हें एक्चुअल पावर कंजम्पशन बताना है किस ऑर्डर में होगा, ठीक है? अब सुनो, तुम्हें याद है सीरीज में कम वॉट का ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, याद है सीरीज में कम वॉट का ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो जी ये बी वन और बी टू में से बी टू कम वॉट का लिखा हुआ है, इसका मतलब वो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा, तो ये बताओ बी टू जो होगा वो बी वन से बड़ा होगा, बताओ पीयूष समझ में आ रहा है पता नहीं आ रहा है? यस सर। इस सीरीज में क्या होता है कि कम वॉट वाला जिसमें लिखा होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। अब चलो बी टू और बी थ्री में, अब दोनों में सेम वॉट लिखा हुआ है लेकिन इसको पूरी वोल्टेज मिल रही है, देखो ना ये जो भी वोल्टेज लगा रखी है वो पूरी की पूरी मिल रही है, जबकि इसको थोड़ी कम वोल्टेज मिल रही है, तो इसका मतलब बी थ्री बी टू से ज्यादा कंज्यूम करेगा कि नहीं करेगा बता, जो है बता भाई बी टू और बी थ्री दोनों के दोनों 60 वॉट लिखे हुए हैं लेकिन बी थ्री को पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है ना, जो भी बैटरी का है वो पूरे का पूरा मिल रहा है, जबकि बी टू को उससे कम मिल रहा है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना बी वन और बी टू में, तो ऑब्वियस ही बात है बी थ्री बी टू से ज्यादा होगा, तो फाइनल आंसर क्या होगा बताओ, सबसे ज्यादा जो पावर मिलेगी वो बी थ्री में मिलेगी फिर बी टू में मिलेगी और फिर बी वन में मिलेगी। पीयूष
बता, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्लियर है जी कि जो है, ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं 19। तुम्हें तीन इक्वल रेजिस्टेंस ऐसे दिए थे ना, ये तो सिंपल है, तुम्हें लग ही रहा होगा। तो इसमें ऑर्डर बताना था तुम्हें कितना होगा, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे कम है। एक बात बताओ, इसका तो सीधे सीधे 3R हो गया, क्यों? इसका R/3 हो गया, और इसका देखो R ये है और R/2 ये है, तो इसका मतलब 3R/2 आ गया, क्यों? ठीक, और ये R है और ये 2R है, तो इसका मतलब R into 2R अपॉन R+2R, 2/3R आ गया, पता? कोई डाउट है? नो डाउट। ठीक है ना, नेक्स्ट। पीयूष बता दे, निकाल लेगा ना रेजिस्टेंस, सिंपल है, तो यस ऑर्डर सर। पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट चलते हैं 20। मीटर ब्रिज में कहता है, अगर ये जो वायर होता है ना, नहीं होता, जिसमें एक ये होता है, जैसे यहाँ पे ये है, ये एल है, तो ये 100 - L आता है, ठीक है? इस टाइप से नहीं होता मीटर ब्रिज में। तो ये कहता है कि अगर रेडियस को डबल कर दोगे, रेडियस डबल्ड, तो नल पॉइंट पे क्या इफेक्ट आएगा? कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि रीजन क्या है, देखो यहां पे जब पी होता है यहां पे क्यू होता है, तो तुम ऐसे तो करते हो ना, पी अपॉन क्यू इक्वल टू एल अपॉन 100 - L, ये आता है कि नहीं आता बता? तो यस सर। इसमें कहीं रेडियस आ रही है बता जो है, ये बता। वैसे भी एक सिंपल सी बात बता कि इसमें कहीं पे तुझे रेडियस दिख रही है बता जो है, रेडियस ऑफ वायर कहीं भी दिख रही है बता जो है? कुछ नहीं दिख रही ना, तो नल पॉइंट का कोई मतलब ही नहीं है जो है। मतलब यहां से अगर तू मान ले नल पॉइंट लेंथ कैलकुलेट करेगा पॉइंट एल, तो ये जो एल आएगा ये इनडिपेंडेंट ऑफ रेडियस नहीं आएगा बता जो है? यस सर। रेडियस ऑफ वायर, क्यों? टीएम समझ में आ रहा है? मतलब जी सर। एक्सप्रेशन देख लिया करो, सबसे बढ़िया होता है कि एक्सप्रेशन देख लो, क्योंकि उसमें कुछ इसका मतलब ही नहीं है, रेडियस आने का कोई मतलब नहीं। तो एल अपॉन 100 - L होगा, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं 21। इसमें ना ऐसे बनाया था, जैसे ये मान लो ए बी सी, एक रेजिस्टेंस ये लगा था, तीन रेजिस्टेंस ये लगे थे, इक्वल है ना सारे के सारे, और इसमें दो रेजिस्टेंस लगे थे, तो मेरे ख्याल से तुमसे पूछा था मिनिमम किसके अक्रॉस होगा, मिनिमम वो ए बी के अक्रॉस होगा, बी सी के अक्रॉस होगा,
या फिर एसी के अक्रॉस हो। अब तुम एक बात बताओ कि तुम्हें याद है ना पैरेलल में क्या होता है बेटा, जो है पैरेलल में जो भी नेट रेजिस्टेंस आता है वो मिनिमम से भी कम आता है। क्यों मतलब नहीं मतलब जो है नेट रेजिस्टेंस इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। बता पीयूष, सर? होता कि नहीं होता पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, जो भी मिनिमम वैल्यू है उससे भी छोटा आता है ना। ठीक, अब तुम ये देखो ये आर के इक्वल है, ये आर बाई टू के इक्वल है और ये आर बाई थ्री के इक्वल है। अब ये बताओ अगर मैं ए और सी के अक्रॉस निकालूंगा तो वो आर बाई थ्री से भी कम होगा कि नहीं होगा, बता जो है ये बता। रेजिस्टेंस अक्रॉस ए सी लेस देन आर बाई थ्री होगा या नहीं होगा, बता। सबसे छोटा रेजिस्टेंस ये है ना बेटा जो है, क्यों यस सबसे छोटा रेजिस्टेंस ये है। इसी टाइप से अगर मैं रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी निकालूं, ठीक है रेजिस्टेंस अक्रॉस बी सी निकालूं तो फिर ये क्या होगा जरा बता जो है, बी सी के अक्रॉस आर बाई टू सबसे छोटा है वो आर बाई टू से भी छोटा होगा, क्यों। और रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी अगर मैं निकालूं तो ये किससे छोटा होगा, देख आर बाई टू ये है और आर बाई टू और ये 5 r/6 मेरे ख्याल से ये होगा, क्यों बता। टीएम जी सर, आर बाई टू और आर बाई थ्री को ऐड कर दिया ना मैंने तो 5 r/6 आ गया, क्यों नहीं है बता जो है। हाँ तो जी ए सर, के अक्रॉस आर बाई थ्री से कम होगा, बी सी के अक्रॉस आर बाई टू से कम होगा और 5 r/6, तो तेरे को लग ही रहा होगा इसका मतलब ए सी के अक्रॉस जो आएगा क्यों, मिनिमम किसके अक्रॉस आना चाहिए बता जो है, अक्रॉस ए सी आना चाहिए क्यों। ये r/3 r/2 और ये सब समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं बेटा मैं, r/3 r/2 और 5 r/6 समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं मैं जो है, समझ गया ना। जी जो सर, नेट रेजिस्टेंस आता है वो क्या होता है, मिनिमम से भी शॉर्टेस्ट से भी कम होता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 22। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्जन का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तुम्हें 100 ओम दिया हुआ है, संट आपको दिया हुआ है 0.1 ओम और मैक्सिमम करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर ये 100 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो मैक्सिमम करंट तुम कितनी मेजर कर सकते हो, या तुम कह लो कि मैक्सिमम करंट जिसमें गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा शो करे, फुल डिफ्लेक्शन करंट शो करे वो पूछ रहा है। इसका तुम्हें याद होगा ऐसे होता है ना बेटा, ये गैल्वेनोमीटर है, जस्ट इक्वेशन याद करवा दे रहा हूँ, ये संट होता है क्यों। अब यहां भी तुम्हें मैक्सिमम लिखनी है तो ये भी मैक्सिमम जाएगी, तो इसका मतलब आई माइनस आई जी इधर चली जाएगी, क्यों ये हो गया। अब पैरेलल में जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यों पैरेलल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है, क्यों। इसका मतलब आई माइनस आई जी अपॉन आई जी ये उल्टा हो जाएगा जी अपॉन एस आ जाएगा, यूस याद आ रहा, यस सर। याद आ गया ना। ठीक है तो बस यहां से आई निकाल, भाई सिंपल सी बात है तुम जब आई जी को मैक्सिमम दे रहे हो तो आई भी तो मैक्सिमम आएगी उस समय जो है, ठीक है मैक्सिमम करंट ये फाइनल। नेक्स्ट चलते हैं 23।
थ्री तुम्हें ना एक ये इस टाइप से पोस्ट ऑफिस बॉक्स का स्ट्रक्चर दिया था। इस टाइप से दिया था बी सी डी ए। तो ये पूरा तो तुम्हें याद होना चाहिए। बस तुमसे ये पूछा था कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में ऐड होता है। तो ये तुम्हें याद होना चाहिए बेटा। अननोन रेजिस्टेंस तुम्हें याद है ए और डी के बीच में होता था, याद है? इसमें ये होता है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस हुआ एक तरीके से ये पी आ जाता है फिर क्यू, इस टाइप से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। जो है ऐसे जाता था ना, इधर आता है बेटा जो है हाँ एक्चुअल फिगर, याद है कि नहीं है बता? इधर पे अननोन आता है, याद आ रहा है? टीएम जी याद है सर, कि नहीं बता? मीटर बेस का ये याद है कि नहीं है? एक बार देख लेना ये पूरा वो जो है किसी भी बुक से इसकी सही फिगर देख लेना, ठीक कैसी है। नेक्स्ट चलते हैं 24। पूरा नहीं बना रहा हूं बस कंसेप्ट याद करवा दे रहा हूं। एक ये लूप दिया था, एक ये था, एक लूप ये दिया था। इसमें बैटरी और रेजिस्टेंस सब कनेक्टेड है, ध्यान रखना। तो तुमसे इस वाले वायर में पूछा था करंट कितनी होगी, यस है बेटा याद है ना? इसमें करंट जीरो आती है ना, इस वाले वायर में करंट जीरो आती है, क्यों? सर। वो किसी भी इन जनरल ना कोई लूप है, जैसे मान लो ये है ये है, इसमें अगर बीच में एक वायर कनेक्ट कर दोगे तो इसमें करंट जीरो आएगी, क्यों? कैसा भी बना लो, एक लूप ये है और एक लूप ये बन गया मान लो, तो ये बीच वाले वायर में करंट क्या होती है, जीरो आती है, क्यों? ये कह लो किसी भी उसमें। और उसका रीजन क्या होता है कि जैसे तुम यहां से देखो ना, मान लो इस वाले वायर में आई वन है, देखो तो यही आई वन यहां आई और यही आई वन यहां पे आई, क्यों? तो अगर मैं यहां पे जंक्शन लॉ अप्लाई करूं, क्यों? अगर यहां पे आप जंक्शन लॉ अप्लाई करो तो आप देखो आई वन इधर गई और आई वन ही यहाँ आ गई, क्यों? तो ऑब्वियस ही बात है इस वाले वायर में करंट क्या होनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। टीएम याद आ रहा है कि अगर दो इंडिपेंडेंट लूप्स को आपस में कनेक्ट करते हो किसी वायर से तो जी सर, उसमें करंट क्या होगी, जीरो होगी, चाहे कितनी भी बड़ी बैटरी क्यों न लगी हो। यहाँ पे तुम 10 to the power 4 वोल्ट की भी बैटरी लगा दो चाहे, तो भी इसमें क्या रहेगी, करंट क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 25th। करंट वाले क्वेश्चन भी सिंपल होते हैं, तुम देख रहे होगे ना, क्यों? एक बॉक्स है, क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है, और इसमें अंदर रेजिस्टेंस वायर है, 100 ओम है और 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, ठीक है? तो तुमसे कहता है कि इसके अंदर डेल्टा यू 5 मिनट में कितना होगा। डेल्टा यू का मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ अब सुनिए, डेल्टा यू का तो मैं एक ही फॉर्मूला जानता हूं, क्यू माइनस डब्ल्यू, बता? नहीं होता क्यू माइनस डब्ल्यू, नहीं होता लॉग थर्मोडाइनेमिक्स में अगर देखते। अब एक बात बताओ कि अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो मैं डब्ल्यू को जीरो लिख सकता हूं, ठीक है?
और Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को मैं लिख सकता हूँ I square R T लिख सकता हूँ, बस हो गया। क्यों? अब वैल्यू रख दे, I square का मतलब 1 का square, resistance का मतलब 100 और time का मतलब 5 मिनट means 300 सेकेंड। क्यों? ये हो गया, इतना जूल आ गया आंसर। यू समझ में आया कि नहीं आया? क्लोज कंटेनर है तो ये है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं 26। एक वायर ये है, एक वायर ये है, इसकी लेंथ L by 2 और रेडियस 2R, इसकी लेंथ भी L by 2 और रेडियस R, और इसमें I फ्लो कर रही है, ये पहले भी आ चुका है तुम्हें याद होगा, तो इसका पूरा पोस्टमार्टम ही कर लेता हूँ। ये 1 है, ये 2 है। देखो, हीट का रेशियो निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो निकालना है, करंट डेंसिटी का रेशियो निकाल देते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकाल देते हैं, ठीक है। तुम्हें याद है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि करंट सेम रहेगी, क्यों? ये बोला था ना लास्ट, उसमें हमने किया था कि करंट सेम होगी। अब ये बताओ R1 अपॉन R2, वो 2R अपॉन R, इसका मतलब 2:1 है। क्यों? इसका मतलब एरिया का जो रेशियो आएगा वो 4:1 आ जाएगा। क्यों? ठीक है, अब सबसे पहले चलते हैं H में। देखो, H इक्वल टू हो गया आई स्क्वायर आर टी। अब I और T ये तो सेम है, इसका मतलब H प्रोपोर्शनल टू R, और R तुम जानते हो रो L अपॉन A होता है। क्यों? अब इसमें रो और L भी सेम है, तुम्हें दिख रहा होगा, एक ही मटेरियल को बनाया, ध्यान रखना स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और लेंथ भी सेम है, इसका मतलब हीट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A आ गया। तो ये बताओ H1 अपॉन H2, वो उल्टा हो गया A2 अपॉन A1, इसका मतलब 1:4 आ गया। TM बता, समझ में आया? बता जी सर, समझ में आ गया ना। अब एक काम करते हैं, पहले ये जे वाला निकाल लेते हैं, सिंपल वाला निकाल लेते हैं। जे इक्वल टू आई बाई ए होता है, आई सेम है। क्यों? आई सेम है तो इसका मतलब ये भी बन गया ना, जे प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए आ गया, इसका मतलब जे 1 अपॉन जे 2, वो उल्टा हो जाएगा ए 2 अपॉन ए 1, तो ये भी 1:4 आ गया। पीयूष समझ में आया? यस सर, क्लियर। अब चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बता, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर आ गया, नहीं है? पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर हो गया, इसमें से आई कॉमन है, ठीक है, दोनों के लिए सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, ठीक। और R प्रोपोर्शनल टू हमने 1 अपॉन A बोला था, नहीं है, 1 अपॉन A बोला था, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 1 अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस 2, ये भी उल्टा हो जाएगा A2 अपॉन A1, तो ये भी 1:4 आ जाएगा। और वैसे भी तुम्हें याद होगा ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वहां पे वैल्यू ज्यादा आती है। क्यों? ये हो गया। और लास्ट में ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताओ ये पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ होगा,
नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, और लेंथ दोनों की सेम दिख रही होगी तुम्हें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्यों? तो ई वन अपॉन ई टू भी क्या आ जाएगा बताओ जाए, ई वन अपॉन ई टू ये भी वही आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा, बस हो गया। क्यों? क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस है। कोई डाउट है? नो डाउट सर। नेक्स्ट चलते हैं 27। वही मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। जैसे यहां पे ना 2 ओम लगा हुआ है, ठीक है, और इधर एक रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस आर कह लो, लेकिन ये आर ग्रेटर देन 2 ओम दिया हुआ है, और यहाँ पे एल रहा होगा, यहाँ पे 100 माइनस एल रहा होगा। फिगर तो समझ में आ रही होगी ना बेटा? क्यों? यस सर। फिगर तो क्लियर हो रही होगी ना, एक 2 ओम है उधर, आर ग्रेटर देन 2 ओम है, ठीक। अब तुमसे क्या कहता है कि जब तुम इन दोनों को इंटरचेंज करते हो, 2 ओम एंड आर, इसको इंटरचेंज करते हो, इंटरचेंज्ड, देन नल पॉइंट, शिफ्ट्स बाय 20 सेंटीमीटर, तो तुम्हें आर निकालना कितना होगा। टीएम क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है बेटा? एक टू आर है, एक 2 ओम है, दूसरी तरफ एक आर है जो 2 ओम से ज्यादा है, और मान लो लेंथ एल देर की, तो 100 माइनस एल हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये बताओ 2 अपॉन आर इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, ये पहली इक्वेशन बनेगी, बता। बता, पहली इक्वेशन तो ये बनेगी ना, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ये हो गया। अब मुझे ये बता कि अगर ये बड़ा रेजिस्टेंस यहां चला जाएगा तो ये एल बढ़ जाएगा ना, बता। अगर मैं बड़े रेजिस्टेंस को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो एल बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा बता, जो है। पर तुझसे कह रहा है कि और ये कम हो जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड 20 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और राइट हैंड साइड 20 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो इसका मतलब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बता, आर अपॉन टू इक्वल टू एल प्लस 20, ये तो बढ़ गया, अपॉन वो 20 कम हो गया, 80 माइनस एल रह गया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, बता पीयूष समझ में आया कि नहीं आया कि अगर बड़े रेजिस्टेंस को तुम लेफ्ट साइड में ले जाओगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है, ये हो गया। अब देखो अननोन्स दो हैं, इक्वेशंस दो हैं, बस हो गया, आर और एल, ये दोनों ही तो अननोन्स हैं कि नहीं है बता, तो यहां से आर पॉइंट कर दो, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये भी। नेक्स्ट चलते हैं 28। इसमें ना इक्वल रेजिस्टेंस दिया था, वही एक तो कॉम्बिनेशन ये दिया था, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये दिया था, और तीसरा कॉम्बिनेशन दिया था,
ये सेम बैटरी अप्लाई की थी। तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ पावर कंज्यूम निकालना था, सबसे ज्यादा किसमें एक्सेट्रा। अब सुनो, ये होता है अगर बैटरी सेम है तो एक तरीके से वी की वैल्यू सेम है ना, तो पावर के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूं ना, वी स्क्वायर अपॉन आर नेट का करूं। क्यों नहीं, अगर बैटरी सेम है तो इसका मतलब वी सेम मान सकता हूं, तो पावर के लिए मैं वी स्क्वायर अपॉन आर नेट कर सकता हूं। तो तुम कह सकते हो पावर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर नेट कर दो। क्यों? हाँ जी सर, तो सबसे कम जिसका रेजिस्टेंस होगा उसमें सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम होगी। अब ये तो सबसे पहली फिगर, तुम्हें बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ। यस सर। देखो ना, ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्यों? तो ये बीच वाला हट गया ना, एक तरीके से P अपॉन Q इक्वल टू R बाई S हो गया। तो इसका जो R नेट होगा वो R के इक्वल होगा। बता, पहली वाली फिगर का नेट कितना होगा? R के इक्वल होगा। बिकॉज क्या हुआ, देख ये R और ये R 2R हो गया, फिर ये R और ये R ये भी 2R हो गया, तो मिला के कितना हो गया, 2R और TR मिला के क्या हो गया, R आ गया। ठीक है, अब सुनो, अब इस वाले में क्या है, इसमें देख ये 2R ये 2R, तो इनका मिला के R हो गया, और फिर ये आर और ये आर आर बाई टू हो गया। बता, टीएम बता, जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बता, जो है ये 2R आ गया, ये 2R आ गया, इनका मिला के क्या हो गया, आर हो गया, और फिर वो आर और ये आर मिला के कितना हो गया, आर बाई टू। अब लास्ट वाले में आ जाओ, ये तो वही बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज था एक तरीके से, तो इसका तो आर आ गया और इसका भी आर आ गया, इसका मतलब आर नेट कितना हो गया, आर नेट 2R के इक्वल आ गया। क्यों? तो सबसे कम रेजिस्टेंस सेकेंड वाली फिगर में, फिर फर्स्ट वाली फिगर में, और फिर लास्ट वाली फिगर में। तो इसका मतलब पावर का ऑर्डर ये हो जाएगा ना, पी टू ग्रेटर देन पी वन ग्रेटर देन पी थ्री। बता पीयूष, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक यस सर। है, अच्छा ये ध्यान रखना है, जो दूसरी वाली फिगर है ना, तुम कहीं ये मत सोचना कि वो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है बेटा, जो है ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान रखना, नॉट बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। अपना दिमाग लगाना, ऐसा क्यों, मतलब तुम सोचोगे बीच वाले को हटा दूं, समझ गए ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बीच वाले को हटा दूं, ऐसा नहीं है बेटा, जो है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ध्यान रखना जो है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं 29। ये एक स्क्वायर प्लेट है, इसकी थिकनेस है टी और लेंथ एल है, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें ना इन फेसेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना था शेडेड के अगेंस्ट। आर इक्वल टू याद है रो एल अपॉन ए होता था। क्यों? अब सुनो, लेंथ तुम ये वाली लोगे इसमें, क्यों बता,
ये लेंथ लोगे तो इसका मतलब रो एल आ गया, क्यों? अपॉन एरिया कौन सा लोगे बताओ, एरिया ये हैच जो एरिया ये लोगे, तो इसका मतलब एल इंटू टी हो गया। तो इंटरेस्टिंग बात है कि ये एल से क्या हो रहा है बेटा, इंडिपेंडेंट आ रहा है, रेजिस्टेंस तुम्हें दिख रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ एल आ रहा है, क्यों? प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी आ रहा है। पीयूष बता समझ में आ रहा है, लेंथ कौन सी लोगे बेटा? जो है लेंथ तो लोगे कैपिटल एल, और एरिया कौन सा लोगे, एल इंटू टी लोगे, क्यों? तो जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो एल से क्या आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ टी। एम बता, कोई डाउट? क्लियर सर। लास्ट में एक थर्टीएथ क्वेश्चन था, ओम्स लॉ के वेरिफिकेशन के लिए। एक सर्किट सेलेक्ट करना था, कौन सा सर्किट सही होगा, ठीक है? कंसेप्ट बता देता हूँ, देखो सिंपल सी बात है कि ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो ओमिक सर्किट्स होते हैं, कुछ सर्किट्स ओमिक होते हैं, कुछ ओमिक नॉन ओमिक होते हैं, क्यों? कुछ ओमिक सर्किट्स होते हैं, कुछ नॉन ओमिक होते हैं, उसमें V प्रोपोर्शनल टू I होता है, ये कहता है ना कि अगर आप I को डबल करोगे तो V भी डबल हो जाएगा। यही तो कहता है कि नहीं कहता, बता जो है ओम्स लॉ क्या कहता है कि कुछ सर्किट्स ओमिक होते हैं, कुछ नॉन ओमिक होते हैं, ठीक है? जैसे सेमी कंडक्टर के साथ में नॉन ओमिक हो, कंडक्टर के साथ में ओमिक हो, ठीक? तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है, तो I को डबल करोगे तो क्या होगा, V भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक? तो बेसिकली तुम्हें I मेजर करने के लिए एक एमीटर चाहिए, और V मेजर करने के लिए एक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेकिन ये किसके अक्रॉस, अक्रॉस सम ओमिक रेजिस्टेंस, क्यों? अक्रॉस सम ओमिक रेजिस्टेंस, और तुम्हें करंट और वोल्टेज की अलग अलग वैल्यू चाहिए, और वो एक वेरिएबल बैटरी से ही मिल सकता है। बता समझ में आया टीएम, नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं, कि कुछ सर्किट्स ओमिक होते हैं, कुछ नॉन ओमिक्स होते हैं, ठीक है? तो ओम्स लॉ ने सिंपली ये कहा कि जो ओमिक सर्किट्स होते हैं, जैसे कंडक्टर के केस में, उसमें V प्रोपोर्शनल टू I, इसका मतलब I को डबल करोगे तो V भी डबल हो जाना चाहिए, और नॉन ओमिक में जैसे सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है? मतलब इसमें एक चीज और भी होती है, V और I का जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, उसमें नहीं हुआ, लीनियर नहीं हुआ, ठीक? अब तुम्हें क्या है कि वेरीफाई करने के लिए एक सर्किट बनाना है, तो पहली बात तो करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर चाहिए, और ओमिक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर चाहिए, और तुम्हें करंट और वोल्टेज दोनों वेरी करवानी है, तो एक वेरिएबल बैटरी चाहिए, ठीक? तो अब देखो क्या हुआ, एक ही ओमिक रेजिस्टेंस आ गया, इसको इसने आर टी से दिखाया था, और इसके पैरल में तुम्हें वोल्ट मीटर बनाना है, लेकिन वोल्ट मीटर बनता कैसे बेटा? जो है एक गैल्वेनोमीटर लगाओ और एक हाई रेजिस्टेंस लगा दो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, तो ये वोल्ट मीटर बन गया बेटा। यस। अब तुम्हें करंट भी मेजर करनी है, तो करंट के लिए तुम्हें क्या करना है बताओ, एमीटर बनाना है, तो क्या हो गया, देखो ये दूसरा गैल्वेनोमीटर आ गया, और इसके पैरल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दो, ये मीटर बन गया, और एक वेरिएबल बैटरी लगा दो, ये वेरिएबल बैटरी होगी, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो ना, ये तो हो गया ओमिक रेजिस्टेंस, क्यों?
ओमिक रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का हो गया एक तरीके से, और ये क्या बन गया, ये वोल्ट मीटर बन गया। और ये क्या बन गया, ये एमीटर बन गया। टीएम समझ में आया नहीं आया? आया सर। ओम्स लॉ क्या होता है और उसको वेरीफाई करने के लिए हमें किस टाइप का सर्किट बनना चाहिए? तो तुम्हें जो क्वेश्चन में दिया था ना, वो एक तो वेरिएबल बैटरी दे रखी थी, एक तुम्हें ओमिक रेजिस्टेंस आरटी दिया था, तुम्हें दो गैल्वेनोमीटर दिए थे G1 और G2, एक तुम्हें हाई रेजिस्टेंस दिया था और एक लो रेजिस्टेंस दिया था। तो तुम्हें ये बताना था कि उनको कैसे अरेंज किया जाए, बस ये था क्वेश्चन, ये था ठीक है ना, उनको किस टाइप से अरेंज करो। बाकी चलो फिर करते हैं नेक्स्ट टर्न में। ओके, थैंक यू एंड गुड डे। थैंक यू सर। ओके थैंक यू ओके। सर।